पूरा केसरबानी समाज है जी हाँ, आज घर घर यहाँ पर आज ये तो मुझे नहीं पता जी। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अग्रवाल, ये आपका वैश्य केसरवानी समाज का दो वर्षीय का आज बैठक हो रही है, जहां झाझा के वन प्रांगण में तमाम लोग यहां मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर दो वर्ष में इसका चुनाव होता है। आज मतगणना की भी और मतदान की भी पूरी तैयारियां हैं। तमाम समाज के लोग, तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद। इस व्यस्त भरी जिंदगी में, जिस तरह से व्यस्त भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं है दो पल प्रकृति की छांव में बिताने का, ऐसे में यह जिस तरह से ये केसरवानी समाज के लोग हर दो साल में तमाम परिवार के साथ, तमाम बच्चे, महिलाएं, माँ, पत्नियां, सारे लोगों के साथ जिस तरह से आज ये एक तरह से पिकनिक के साथ साथ आज वन भोज तो होगा ही और चुनाव भी होगा। देखना दिलचस्प होगा कि किनके सर पर आज जीत का सेहरा सजेगा। हर समाज का कहीं ना कहीं झाझा में क्या पूरे देश में, पूरे बिहार में एक तरह से बैठक होती है, समागम होता है। इस तरह से समागम में प्यार तो बढ़ता ही बढ़ता है, आपसी एकता भी बनी रहती है। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट जरूर देखिएगा और आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज जो है समाज के अध्यक्ष का जीत का सेहरा किनके सर पर सजेगा। क्या कुछ हो रहा है सर आज? आज केसरवानी वैश्य पंचायत झाझा द्वारा इस बाबा यक्षराज स्थान के समीप वनभोज, पारिवारिक मिलन समारोह सह द्विवार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी झाझा के केसरवानी पंचायत के सदस्यगण, पुरुष, महिला, बच्चे, बच्चियां काफी उल्लासपूर्ण वातावरण में शामिल हुए हैं और इस कार्रवाई को कार्य रूप दिया जा रहा है। आज नाश्ता के पश्चात द्विवार्षिक संगठनात्मक चुनाव का मतदान प्रक्रिया जारी होगा। तत्पश्चात विगत वर्षों में जो हमारा नगर करने के लिए ये संगठन चुनाव कराया जाता है, जिससे कि आने वाले वर्षों में लोग अपनी बातों को उचित स्तर पर उचित माध्यम से रख सके और समाज का कल्याण कार्य किया जा सके, इसलिए ये मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आज। दर्शकों, जिस तरह से तमाम महिलाएं आज यहाँ मौजूद हैं, मैं कुछ लोगों से जुड़ के बताने का प्रयास करता हूँ किस तरह का लग रहा है। आज देख रहे हैं घर घर में हड़िया अलग है, चूल्हा अलग है, लेकिन आज एक ही चूल्हा के नीचे सैकड़ों लोग एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन करेंगे। कहीं ना कहीं समरसता और प्रेम प्रेम बढ़ाने का एक तरीका है। मैडम कैसा लग रहा है, क्या नाम है आपका? नीतू केसरी। कैसा लग रहा है मैडम आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी एक साथ आया है पूरा परिवार हम लोग। जी जी जी, पूरा केसरवानी समाज है जी हाँ। आज घर घर यहाँ पर आज ये तो मुझे नहीं पता जी, हम तो नहीं जानते अपना। कार्यकाल दो साल पूरा हो गया है, उसी का मैंने का वनभोज भी हो रहा है, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप माँ जी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का सब परिवार में, परिवार सब जाति में। हाँ मैडम, आप बताइए। चलिए, इतना बहुत, सबसे पूछना संभव नहीं, नए हैं सब। चलिए आइए, नहीं और कुछ नहीं। जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों, केसरवानी वैश्य पंचायत के दो वर्षीय में बैठक हो रही है, साथ ही साथ तमाम लोग यहां पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। चुनाव भी होगा, क्या कुछ होगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक तरह से मिलना जुलना एक अलग बात होती, जिस तरह से लोग इतने ही व्यस्तता उनकी ज़िंदगी में, इतने व्यस्त हैं लोग कि लोगों के पास वक्त नहीं है कि दो पल प्रकृति की छांव में गुजारें। ऐसे में ये जो वैश्य समाज के लोग हैं, तमाम लोग आज यहाँ झाझा के खूबसूरत वन प्रांगण में मौजूद हैं। अभी नाश्ते का काम चल रहा है, तमाम जो सुंदर मजे हमारी सुंदरियाँ, तमाम महिलाएं हैं यहाँ खड़ी हैं प्लेट लेके अपनी बारी के इंतजार में। जिस तरह से ये फंक्शन होता है ना, निश्चित रूप से लोगों में ऊर्जा भरता है और लोगों के एक दूसरे के करीब लाता है। अनुरोध करती है कि आप लोग अपना अपना उपस्थिति पंजी में रजिस्ट्रेशन कराएं।
कस्बा। पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? विनोद केसरी। विनोद जी, कितने लोगों का नामांकन आया, किस पद के लिए नामांकन? अध्यक्ष पद के लिए अभी एक उम्मीदवार का नामांकन आया है। अच्छा, और कोषाध्यक्ष के लिए एक उम्मीदवार का आया। मंत्री पद के, मंत्री पद के लिए 5 उम्मीदवार का नाम आया है। अभी तक अध्यक्ष कोषाध्यक्ष 2 ही उम्मीदवार हैं, जो कि अभी नहीं बढ़े सकते मैटर है। हाँ जी, वो तब क्या प्रक्रिया चुनाव के, आपका चुनाव का प्रक्रिया बैलेट पेपर के द्वारा मैंने हम लोग कर दिया जाएगा। जैसे हम हैं चुनाव पदाधिकारी में, मेरा नाम सुनील केसरी हुआ, और जैसे अध्यक्ष पद के लिए अभी सिर्फ एक ही नाम मैंने आया है, और दूसरा नाम कोषाध्यक्ष के, अध्यक्ष में श्री कपिल देव प्रसाद केसरी, और कोषाध्यक्ष में मैंने एक ही पद का आया है, 2 प्रत्याशी हैं, और मंत्री पद के लिए 5 लोग आए हैं, जिसका नाम मैंने हम लोग अभी उजागर करेंगे। मैं चुनाव पदाधिकारी के पद पर हूँ, मेरा नाम श्री राम अवतार प्रसाद केसरी, और चुनाव का संचालन आज होगा, रिजल्ट भी आज ही होगा, सब चीज आज हो जाएगा। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? प्रत्याशी वही कोषाध्यक्ष के लिए 1 है, अध्यक्ष पद के लिए 1 है, और मंत्री पद के लिए 5 आया हुआ, 5 लोग आए हैं। हाँ। प्रत्याशी बढ़ भी सकते हैं? हाँ, कोई ठीक नहीं, बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लिया बढ़ गया तो चुनाव हो जाएगा। समय 11 बजे, वही 12 के लगभग, जो नॉमिनेशन का समय 2 बजे 3 बजे तक है। हाँ, 3-4 बजे तक लास्ट, 3 बजे तक। इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस केसरवानी पंचायत के कल्याणकारी सामाजिक कार्य से संबंधित कार्यक्रम में सहयोग करें।